औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बाबर है और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी पाकिस्तान। दोस्तों हामिद भाई का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे अपने चैनल पर एडमिन बनाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों को काइन मास्टर सिखाऊँ। उम्मीद करता हूँ इस ट्यूटोरियल से आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और आप मेरे ट्यूटोरियल से काइन मास्टर को प्रोफेशनल तरीके से सीख पाओगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम काइन मास्टर किस तरह काइन मास्टर के ज़रिए प्रोफेशनल इंट्रो किस तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पिक्सल लैब को ओपन किया है। यहाँ पर कुछ डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले फर्स्ट टाइम आप जब पिक्सल लैब को ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर इस टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे। यहाँ पर अपना चैनल नेम लिखे, मैं यहाँ पर फर्स्ट कर लिखता हूँ। ठीक, अब ठीक मैंने लिख दिया और यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। इमेज साइज लेता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल। दोस्तों कुछ शोर आप लोगों को माइक पे आएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ और यहाँ पर थोड़ा शोर है, इस वजह से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा होगी, इसके लिए माज़रत खाह। तो यहाँ पर टी मैंने लिख दिया। यहाँ पर थ्री डॉट्स पर ए पर क्लिक करता हूँ, इसका फंड चेंज करता हूँ। यहाँ पर ए बी फंड पे क्लिक करता हूँ और रिसेंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ फंड्स अपलोड किए, अब चाहे तो इसको आप लोग ये अमेरिकन का जो फंड है इसको डाउनलोड करें और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैं करता हूँ ओके। तो ठीक का जो मैंने फंड वो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पर लिखता हूँ जी, क्योंकि मेरा टेक्निकल गुरु जी है तो मैं टी जी लिखता हूँ। यहाँ पर ए बी फंड पर दोबारा सॉरी, यहाँ पर मैं प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट को ऐड करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मैं जी। तो यहाँ पर मैंने जी लिख दिया, इसको ओके करता हूँ, इसका साइज में बढ़ा देता हूँ। अब क्या करता हूँ, इसका भी फंड में चेंज करता हूँ, ये वाला ये चंक फाइव जो है इसको मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब टी जी मैंने लिख दिया, इसको मैं बिल्कुल इसी तरह सेम कर देता हूँ जिस तरह ये है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ओके जी, अब हो गया बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, इसको करते हैं मर्ज। अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया मर्ज, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इसका जो इस दोनों को यहाँ पर करते हैं टेक्सचर, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। पहले फंड को सॉरी यार, ये मर्ज क्यों नहीं हो रहा, दोबारा से करते हैं यार। अब हो गया मर्ज, ठीक है, अब दोनों एक हो गए। अच्छा अब यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और इस मेन्यू में जाकर यहाँ पर टेक्सचर करता हूँ, इसको पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। रिसेंट में मेरा एक पिक्चर पड़ा हुआ है जो कॉपर जेपीजी के नाम से है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ से कर दिया टेक्सचर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सेट करते हैं, नीचे आते हैं बिल्कुल और यहाँ पर इसको करते हैं एम्बस, और इसका जो लाइट इफेक्ट है इसको 34-39 पे रख देते हैं और इंटेंसिटी इसकी कर देते हैं थोड़ा कम 63, और एम्बियन लाइट इसका जो 70 है इसको करते हैं 54, और स्पेकुलर हार्डनेस इसका चेंज करते हैं तकरीबन इसको 27 पर, और बी लेवल में जो ये 40 पर है इसको करते हैं थोड़ा सा कम 28 पर कर देते हैं। इसको करते हैं यहाँ से ओके, ठीक है, और यहाँ पर फिर करते हैं इनर शेडो, इसको चेक करते हैं कि इसमें कुछ फ़र्क आते हैं कि इसको करते हैं यहाँ से इनेबल, तो इनर शेडो का कोई फ़र्क नहीं है, इसको करते हैं दोबारा से अनइनेबल, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ पर करते हैं, अब बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, गोल सर्कल अपलोड करते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी करता हूँ, ठीक है। ये
इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। अब ये गोड सलकर मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। अब इसको करते हैं यहाँ पर सेट, इसको करते हैं ओके। अब क्या करते हैं, इसका भी टेक्सचर कर देते हैं, टेक्सचर पर क्लिक करता हूँ और वही कपड़ जेपीजी जो पिक्चर है इसको अपलोड करता हूँ। इसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं और इसको भी एम्बस कर देते हैं। एम्बस पर क्लिक करता हूँ, इसको करता हूँ इनेबल और यहाँ पर इसको करते 49 और 20 और 33, इसको मैंने 33 कर दिया, 74 और 23, इसको करते हैं यहाँ से ओके। अब क्या करते हैं, 3D शेप पर क्लिक करते हैं, इसको करते हैं 3D और इसका डेप्थ लेवल जाए, इसको करते हैं 1, 2, 3 एंड 4, इसको 4 रखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसको करते हैं ट्रांसपेरेंट, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब करते हैं इसको सेव सेम इमेज एज PNG, कस्टम को करते हैं अल्ट्रा और सेव टू गैलरी, इसको कर दिया सेव टू गैलरी। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पर काफ़ी शोर है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होगा। अब काइन मास्टर को ओपन करते हैं, प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ और न्यू कैनवास लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर यहाँ से लेते हैं ब्लैक, इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वो पिक्चर अपलोड करते हैं जो अभी हमने पिक्सल पर अपलोड किया है वो लोगो, ठीक है जी। अब आ गया बिल्कुल अच्छा। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं बस, अभी ठीक है। अब इसका इन एनिमेशन लगाते हैं स्केल डाउन, इसका स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि ये तुरंत यहाँ पर शो हो जाए। इसका जो आउट एनिमेशन है इसको भी सेट करते हैं स्केल अप, अच्छा दोस्तों। यहाँ पर मैंने इन और आउट सेट करवा दिए, अब क्या करते हैं यहाँ पर कुछ मज़ीद टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, आप अपने चैनल का नेम लिखते हैं टेक्निकल गुरुजी पाकिस्तान। इसका भी AB फॉन्ट चेंज करता हूँ यहाँ पर और ऑर्बिट बोल्ड रख देता हूँ। दोस्तों इसका जो इसका जो कलर है इसको भी टेक्सचर कर देते हैं दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर यहाँ तक मैं लाता हूँ, तो आप लाइट इफेक्ट लगा देते हैं, लाइट इफेक्ट दोस्तों। पहले इस पर लाइट इफेक्ट लगा देते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं और मीडिया पर क्लिक करते हैं, बैकग्राउंड कलर लेते हैं, इसको करते हैं रोटेट ताकि ये इस पर पूरा कम्प्लीटली शो हो, ठीक है। और इसके बाद करते हैं यहाँ से इसको क्रॉप यहीं तक, ठीक है। यहाँ तक आते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका ड्यूरेशन करते हैं यहाँ से
दोस्तों आप इसकी प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। दोस्तों आप क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर इसको लाइट, इस पर लाइट इफेक्ट लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं इसको और इसको करते हैं यहाँ पर ब्लेंडिंग, फिर से यहाँ पर और ले पर क्लिक करते हैं और ले पर इसको करते हैं चेक। ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लाइट इफेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पर लग गया है, ठीक है। और इसके बाद ये जो टेक्निकल गुरुजी पाकिस्तानी, इस पर भी लाइट इफेक्ट लगा देंगे। लाइट इफेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया इसका, और दूसरे पर लाइट इफेक्ट लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट है ये देखिए, ये लाइट इफेक्ट वाला ला रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एंड होता है और यहाँ पर टेक्निकल गुरुजी वाला जो टेक्स है ये स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ से इस पर लाइट इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, इस पर। तो यहाँ से फिर लेयर पर क्लिक करते हैं और मीडिया पर क्लिक करते हैं। ये जो कपड़ जो जेपीजी जो फाइल है इसको यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो पिक्चर है इस पर अप्लाई करते हैं। अब इसको यहाँ से करते हैं क्रॉप, इसको कर दिया क्रॉप, ठीक है। अब यहाँ से इसको पहले इसको सेट करते हैं, अब क्या करते हैं यहाँ पर इसका जो फाइल है इसका की के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन पहले कम कर देते हैं, ड्यूरेशन यहाँ पर इसको मैंने कम कर दिया, ठीक है। और इसको दोबारा से यहाँ पर करते हैं स्टार्ट से, यहाँ पर बिल्कुल स्टार्ट से की के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ तक लाते हैं इसको, यहाँ तक छोड़ते हैं और दोबारा इसको यहाँ तक लाते हैं और फिर दोबारा से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पर। तो सब देख सकते हैं यहाँ पर ये लग गया। अब इस पर क्लिक करते हैं और ब्लेंडिंग चेक करते हैं, इसको करते हैं ब्लेंडिंग और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से दोस्तों हो गया बिल्कुल। अगर आप मज़ीद इस पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे हार्ड लाइट, सॉफ्ट लाइट, लाइट एंड डार्कन। ये डार्कन वाला इफेक्ट मुझे थोड़ा अच्छा लगा है इससे। हाँ जी बिल्कुल अप्लाई हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, वो है बाकी का जो हिस्सा, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म। अब इन और आउट एनिमेशन साउंड अप्लाई करते हैं इस पर, यहाँ पर क्लिक करते हैं। पहला हमारा जो पहला पिक्चर था ये था, यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसका जो ड्रॉप साउंड है स्केल डाउन, ये यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगाएंगे, ट्रांजिशन साउंड। यहाँ पर मैं ट्रांजिशन साउंड से अप्लाई करता हूँ, इसको यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। और इसको इसकी डुप्लीकेट फाइल लेते हैं और इसको एंड पर भी लगाएंगे। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं यहाँ पर स्केल अप हो चुका है यहाँ पर। तो इसको यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक हो गया। और इसके बाद आप क्या करते हैं, लाइट इफेक्ट लगाएंगे। लाइट इफेक्ट, लाइट इफेक्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑडियो पर क्लिक करते हैं, इसके बाद फोल्डर्स, इसके बाद ट्रांजिशंस, आपके पास जहाँ भी पड़ी हो वो लोकेशन दे दें। इसको कर दिया यहाँ पर मैंने ओके। दोबारा से यहाँ पर चेकआउट करता हूँ, लाइट इफेक्ट यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है। थोड़ा सा आगे मैं इसको करता हूँ, ओके।
Bye.